गुरुवार की सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास लकड़गंज पुलिस थाने के सामने स्वामील में आग लगने से 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां की मदद से नियंत्रित यह आग की गई है, परंतु आग लगने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ। द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि प्लाईवुड कंपनी में उपयोग होने वाले एक सॉल्यूशन के चल यह आग और बड़ी है। साथ ही बताया जा रहा है कि आग की लपटों में आकर 5 आरा मशीन जल कर राख हो गई है, जिसके चलते लाखों का नुकसान भी हुआ है। रहमत यह रही कि इस घटना के दौरान किसी भी प्रकार की जीव हानि नहीं हुई है। कंट्रोल रूम माहिती मिळाली त्यानुसार आम्ही इथे अगोदर लकड़गंजच्या 2 गाड्या पाठवल्या, त्यामध्ये पुन्हा माहिती मिळाली की मेजर फायर आहे। तर त्यानंतर आम्ही पूर्ण नागपूर शहरातून टोटल 13 गाड्या इथे आल्या आणि 13 गाड्या आल्यानंतर त्या 13 गाड्यांनी ही सर्व फायर तेव्हापासून विझवणं सुरू केलं। त्यामध्ये आपण इथे आल्यानंतर आपण तर हे बघितलं का आजूबाजूच्या ज्या मशीन्स आहे, ज्या पुन्हा इतर आरा मशीन्स आहे, त्या आरा मशीन्स याच्यामध्ये म्हणजे ती आग जी आहे ती आग स्प्रेड न व्हावी म्हणून त्याच्याकरता आपण अगोदर प्रयत्न केले की आग बाजूला स्प्रेड न होऊ म्हणून वाचवलं आणि बाजूचे एरिया कूलिंग केल्याच्यानंतर मग जे जिथे मेन फायर होती तिथे मग आपण विझवायला सुरुवात केली। ये अचानक ये ऐसा हादसा हुआ रात में, पता नहीं कब हुआ। लोगों ने बहुत सारी हेल्प किया और अब इसमें आग लगती है तो नुकसान तो पूरा ही हुआ है मेरा। करीब करीब मेरा शेड वगैरह माल वगैरह जब जो भी है ये करीब 70 से 80 लाख का हुआ है और जो चंद्रिका ट्रेडिंग मेरे वाइफ के नाम की कंपनी थी उसमें करीब 18 से 20 लाख का नुकसान हुआ है। इसके अलावा हमारे कजिन जो है बाजू में उनके यहाँ भी आग लगी है, उनका भी पूरा शेड गिर चुका है। कितना नुकसान हुआ है ये उन्हीं को पता है। उसके पीछे भी हमारा एक कजिन का मिल था, वहाँ भी आग लगी है। उसके बाजू में और एक मिल था हमारे पीछे, उनका भी नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। अब सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसमें जो भी मदद हो सकती है वो करे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ अभिषेक पांच की रिपोर्ट, NBC न्यूज़ नागपुर।